नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। डबरा से बड़ी खबर। स्टेडियम ग्राउंड में एक दिवसीय जिला स्तरीय टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा नेता पूर्व कृषि उपज मंडी अध्यक्ष मुकेश कुमार गौतम ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद कर कहा कि हम भी कभी इस ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ खेलने आते थे। आज इस ग्राउंड में बच्चों को खेलते देख पुराने बचपन के दिन याद आ गए। साथ ही उन्होंने कहा कि खेल हमारी मानसिक शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को हमेशा खेल को लेकर उत्साहवर्धन होना चाहिए। इस दौरान टेनिस बॉल वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव मुकेश बाथम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि एक दिवसीय टेनिस प्रतियोगिता में ग्वालियर, डबरा, भितरवार, बरई की टीमों ने हिस्सा लिया। डबरा में हमारे सरम के सर ने स्टार्ट किया है, वही हमारे एमपी सेक्रेटरी हैं, इसलिए हमें काफ़ी मदद मिलती है उनसे। वो हमें स्किल्स भी बताते हैं कि ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश टेनिस वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री मुकेश कुमार गौतम जी के द्वारा किया गया इस प्रतियोगिता में पूरे ग्वालियर जिले से 16 बालक बालिका टीमों ने भाग लिया है, जो कि आगामी होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आज ग्वालियर जिले की टीम का भी यहाँ पर चयन किया जाएगा। यह एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 110 बालक बालिकाओं ने भाग लिया है और ये आगामी चयनित होकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलेंगे। और मैं आप लोगों को एक जानकारी और बताना चाहूँगा कि यह पूरे मध्य प्रदेश में इस खेल का संचालन डबरा से किया जा रहा है। इसके हमारे दो कोच हैं, सरिल सेवरे और शुभम जैन, इनके माध्यम से पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों को इस खेल के माध्यम से लाभान्वित।